एक खिलाड़ी के रूप में मैं चाहूंगा कि हर भारतीय स्वस्थ और चुस्त रहे। तंबाकू स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को नुकसान पहुंचाता है। सभी तंबाकू पदार्थ खतरनाक और घातक है। अगर आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो तंबाकू से दूर रहें। मैं रहता हूं, आपको भी रहना चाहिए। आइए तंबाकू के सामने दीवार बनकर खड़े हों। सिगरेट पीना कैंसर का कारण और जानलेवा है। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। लाइफ चाहिए। चीनी डालने पर जहां चीटी भी नहीं आती वहां पर तुम्हें लाइफ चाहिए। मैं मास्टर नहीं हूं, फिर भी सब समझ में आए ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा। हमारे तीन जवानों की जान गई है। अगर हमने उस राक्षस को नहीं पकड़ा तो अंजाम और भी बुरा हो सकता है। पिछले बार के चुनाव में पूरी तरह से पराजित होकर अपना झंडा फहराने में नाकाम रही अपोजिशन पार्टी इस बार के चुनाव में राज्य की सूर्या पार्टी और अपना देश पार्टी के सहयोग से बहुमत में आकर इस बार सरकार बनाने जा रही है और इस बार इस राज्य में माननीय गुरुकांत भंडारी जी को मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया है। इस महीने की 29 तारीख को राज्यपाल के सामने वो शपथ ग्रहण करेंगे, ऐसा अपना देश पार्टी के अध्यक्ष रघुवीर भंडारी जी ने स्पष्ट किया है। इन्हें तिवारी के हवाले कर दो। भाई ने ऑर्डर दिया है, इन्हें तिवारी के हवाले कर दो। बहुत पीटा मगर कोई बचाने नहीं आया। ए, साइज देखकर मछली के टुकड़े करो जैसे मैं इनका करने वाला हूं।
उन्हें खाने में आसानी होगी। भाई फिक्र मत करो और शिप भेज दो, मैं माल लेकर आ जाऊंगा। आज से ये पोर्ट एरिया हमारा। क्यों हंस रहा है रे? हंस क्यों रहा है? क्या बात है? से कुछ नहीं होने वाला, एक साथ दो दो मर्डर, एक किसने किया यार? हाहाहाहा
स्टेशन पर ट्रेन ट्रैक पर ही चलकर आती है, ये बात सबको पता है। लेकिन वो लाशों के ऊपर से गुजर कर आती है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। इंतजार करने की जरूरत नहीं है, लहरें ही किनारों के कचड़े को धोकर क्लीन कर देती हैं। हाल ही में बने लोकसभा सदस्य और भारी मात्रा से जीते हुए एकनाथ निंबाळकर कोला से रोणापुर जाते समय एक जबरदस्त सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई। राज्य के सभी पार्टी के लोग उनकी मृत्यु पर शोक प्रकट कर रहे हैं। तेरे पास कैपेसिटी है, इसलिए काम के लिए तुम्हें रोणापुर भेज रहा हूँ। तुम रोणापुर जाने से पहले मैंगलोर पोर्ट एरिया जाकर वहाँ एक काम निपटाना। वहाँ बहुत से इलीगल बिजनेस चल रहे हैं और वही इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का मेन पॉइंट भी है। सर, मैं रोणापुर जा रहा हूँ। आज की इस सिचुएशन का मैं पिछले 2 साल से इंतजार कर रहा था। ये मौत की जंग है, वहां इंसान के रूप में एक राक्षस है। उसके सामने अगर कोई नजर भी उठाता तो उसे मौत की सजा दे देता है। छोटे से क्लर्क से लेकर क्लास 1 ऑफिसर तक उसके सामने सर झुकाते हैं। पूरी गवर्नमेंट उसके सामने घुटने टेकती है। पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट्स की वजह से कोई उसे छू भी नहीं सकता। एविडेंस और प्रूफ के बिना हम उस पर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं, और इन सब की वजह से ही हम डिपार्टमेंट के कई जवान भी खो चुके हैं। इस बार इस अपॉर्चुनिटी को हम मिस नहीं कर सकते, और तुम एक कॉप और इस मिशन पर जा रहे हो, इस बात की भनक किसी को भी लगनी नहीं चाहिए, यहां तक कि तुम्हारे साथ चलने वाले साई को भी। अपने ही बंदे हैं, किसी को हैप्पी जर्नी बोलकर रवाना करने आए। विष्णु गणा, पता है सेना ने पहले ही तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है। पोर्ट और रोणापुर में बहुत अंतर है, यहां तक कि गोली और बोली में भी जमीन आसमान का अंतर है। यहां ताकत नहीं चलती, दिमाग चलता है। नहीं समझे? धीरे धीरे सब समझ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज हैं। ये देखो, सीमेंट प्लांट, इससे निकलने वाला वेस्टेज भी करोड़ों रुपए का है। भाई के हाथ के नीचे सैकड़ों लोग हैं, लेकिन इस अड्डे पे जो राज करता है उसका नाम है काशी। तेरा बाप और तेरा भाई उस ड्रम के अंदर है। इन तीनों ड्रमों में से अगर तूने पहले खाली वाला ड्रम उठाया तो दोनों को छोड़ दूंगा। हाँ, लेकिन अगर तूने भरा वाला उठाया तो उनकी मौत का जिम्मेदार तू खुद होगा। अब उनकी जान तेरे हाथों में है। खड़ा क्यों है? चल शुरू हो जा। हाँ।
की मौत का जिम्मेदार बेटा बना। तुझे एक चांस और देता हूँ, अपने भाई को बचा ले। अब की बार भरे वाले ड्रम पर हाथ रख। हे, क्या बात, सुपर बजा लिया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हे हे, तू तो बच गया। बच गया, तू तो बच गया। छोटे भाई ने बड़े भाई को बचा लिया, लेकिन बड़े भाई को छोटे भाई को भी बचाना चाहिए ना। हे तू बड़ा होकर भी उसकी जान नहीं बचा पाया, इसलिए तुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। भाई ये गाना है, पोर्ट एरिया से आया है। ये है तेरा रूम, कुछ भी नया लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ पर है। खाने की कैंटीन भी, वेज चाहिए नॉन वेज चाहिए दोनों यहाँ मिलता है। एक रहता था यहाँ पर, लेकिन उसे गए हुए 30 महीने हो गए, घर पर नहीं ऊपर। नमस्ते। आज हमारी पार्टी सबसे ज्यादा सीट लेकर जीत कर आई है, गर्व की बात है। आइए सर, आइए सर। नमस्कार, नमस्कार, बैठिए। एक्सक्यूज मी सर, सर रोड़ापुर में आपकी पार्टी के खिलाफ कोई भी पार्टी अपना कैंडिडेट इलेक्शन में उतारने की हिम्मत नहीं कर पाई। आने वाले बाय इलेक्शन में कौन सा कैंडिडेट होगा, इसका कोई फैसला हुआ है क्या सर पार्टी में? जवाब देने के लिए ये समय सही नहीं है। एकनाथ निम्बलकर जी बहुत अच्छे इंसान थे, उनके देहांत से हम सब के दिल को चोट पहुंची है। अपनी पार्टी की तरफ से उनकी मृत्यु के लिए हम शोक प्रकट करते हैं। अगले उम्मीदवार के लिए अभी फैसला नहीं लिया गया है। पार्टी में विचार विमर्श करने के बाद अगला उम्मीदवार कौन होगा ये मैं आप सबको बताऊंगा। हमारे डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर तुम्हें रोणापुर में सपोर्ट करेगा, तुम्हें जो भी चाहिए उसका इंतजाम वो कर देगा, लेकिन उसके चेहरे से तुम्हें अनजान रहना होगा और वो भी तुम्हारे चेहरे से अनजान रहे, इस बात का तुम्हें पूरा ध्यान रखना होगा।
लगता है ये मुझे फॉलो कर रहा है। रुक तुझे अभी बताती हूँ। हेलो, मैं तब से देख रही हूँ तुम मुझे फॉलो किए जा रहे हो। क्या समझते हो अपने आप को? हाँ, स्टाइल से स्पेक्स लगाकर जेंटलमैन बनकर फॉलो करोगे तो पता नहीं चलेगा? तुम जैसे गुंडों को, बदमाशों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मेरे साथ ये सब नहीं चलेगा। क्या देख रहे हो ऐसे? चुपचाप चलते बनो यहाँ से। एक मिनट भी यहाँ रुके ना तो पुलिस को कॉल कर दूंगी। कवर एक्सचेंज हो गया है। हाँ? ओह नो। थैंक यू। आवाज अच्छी है। कौन हो बेटा? कौन चाहिए तुम्हें? इसे जानती है? ये पुलिस है। ये पुलिस है? चलता तो एक पुलिस वाला ही बनता, लेकिन उसने मेरी नहीं सुनी और वो एक गुंडा बन गया। सालों मेहनत करके मैंने उसे पाला पोसा पर कोई फायदा नहीं। अब वो कहाँ है मुझे नहीं पता, और अगर पता भी होता ना तो मैं क्यों बताती तुम्हें? मैं तो उसकी बात भी नहीं करना चाहती। या बिंदु, एक रोड एक्सीडेंट में मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया। व्हाट? इसलिए शूटिंग कैंसिल हो गई है। ओह नो, क्या हो गया? आज शूट कैंसिल हो गया है। उसके लिए इतना बुरा लग रहा है तुम्हें? शूटिंग होगी तब चली जाना ना। मेरा दोस्त साई है ना, उसने रियलिटी शो के लिए सेट लगाया है। वहाँ कोई जेम्स जैक्सन नाम का डायरेक्टर है, थोड़ा मेंटल है लेकिन रियलिटी शो का किंग है वो। एक दो दिन में उसकी शूटिंग शुरू होने वाली है। अगर ये जाना ही चाहती है तो इसके लिए मैं एक बार उससे बात कर लूंगा। जेम्स जैक्सन? जेम्स जैक्सन? माना फिर भी नहीं टूटी। कौन सी चप्पल है ये? चमत्कार चप्पल। खाल उधर जाएगी लेकिन चप्पल नहीं टूटेगी। जब इसके थॉट्स इस तरह के हैं तो पता नहीं खुद कैसा होगा। भाई, इलेक्शन की डेट फिक्स हो चुकी है,
लेकिन हमारी तरफ से कैंडिडेट कौन है ये अब तक फिक्स नहीं हो पाया है। उस जगह से हमारे खिलाफ कोई भी कैंडिडेट उतरने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। अभी तक कोई फाइनल नहीं हुआ तो क्या हुआ, अपना काम तो करना ही है, तभी सही रास्ता मिलेगा। पशुपति का नाम भेज दो। क्या हो रहा है ये? से कभी सिगरेट जलाई है तूने क्या? फोड़ो फोड़ो, दिवाली है, फोड़ो, हैप्पी दिवाली। ए, तुम लोग यहाँ पर आकर क्या कर रहे हो? सर, एमपी सीट के लिए पहली बार नॉमिनेशन भर रहे हैं, थोड़ा सेलिब्रेशन तो बनता है ना। फोड़ो ना, पटाखे फोड़ो। पटाखों के शोर से लोगों को डिस्टर्ब होता है, इतना भी नहीं पता तुम्हें? पटाखों से आसपास के लोगों को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, कॉमन सेंस नहीं है क्या? आप आइए मेरे साथ, आप और मैं मिलके इस दिवाली का सेलिब्रेशन मनाते हैं, आइए। पकड़ 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 पकड़। टीवी फुल HD है क्या सर? क्लैरिटी तो मस्त है, लेकिन तुम्हें मेरे बारे में क्लैरिटी नहीं है। तुम लोग कुछ भी कर लो, मैं नॉमिनेशन भर के ही रहूंगा। दौलत कमाने के लिए पावर का होना जरूरी नहीं है, लेकिन खानदान को बढ़ाने के लिए लड़के का होना बहुत जरूरी है। पावर चाहिए या परिवार चाहिए, जल्दी डिसाइड कर लो। हमारा फेंका हुआ पहला पत्थर वेस्ट हो गया, उसकी राजनीतिक पकड़ के आगे हमारी चालिया बंदूक की गोली काम नहीं आएगी। अश्वथ जी को जरा हम ट्राई करें तो राणा जी हमारे मैटर में टांग नहीं अड़ाएंगे। फॉरेन रिटर्न जनता के लिए हमेशा लड़ने वाला एक सच्चा सेवक है, राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है। अब तक 2-3 पार्टी वाले कोशिश कर चुके हैं, लेकिन सबको निराशा ही हाथ लगी है। अगर हम उन्हें मना लें तो रोणापुर में हम अपनी पार्टी का झंडा फहरा सकते हैं, लेकिन मनाएगा कौन? चार पैसों के लिए इंसान गंदगी को भी टोकरी में डालकर अपने सर पर ढोता है। ऐसे में अगर हमारी पार्टी को कोई अच्छा इंसान मिल रहा है तो इसमें हर्जी क्या है? मिस्टेक थी, पर आज तो आगे जितनी स्पीड से जाते हैं रिवर्स भी उसी स्पीड से आते हैं क्या? जरा उतर कर देखिए कि मेरी स्कूटी कितनी डैमेज हो गई है। उतरिए, देखिए ना। क्या करें अभी? चेन्नई में आंधी तूफान आता है तो रोणापुर में बिजली के साथ बारिश होती है।
रिवर्स लेते समय थोड़ा सा टच कर गया। क्या कहा? थोड़ा सा टच हुआ? सरा देखो क्या हालत हो गई है, बम्पर कार डैमेज हो गया है, हैंड ग्रिप पर स्क्रैचेस आ गए हैं, और नंबर प्लेट के तो टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। सरा देखो ना, ये स्कूटी मेरी दीदी और जीजू ने मुझे गिफ्ट में दी थी। अब घर वाले पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगी? मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है, आखिर तुम्हें ड्राइविंग लाइसेंस दिया किसने? विष्णु, गाड़ी को गैरेज में ले जा। मतलब इसके रिपेयर होने तक मैं यहाँ रोड पर खड़ी रहूंगी? मुझे अर्जेंटली किसी से मिलने पहुंचना है, मेरा सारा प्रोग्राम चौपट हो गया। आवाज अच्छी है लेकिन वॉल्यूम जरा कम करोगी तो और भी अच्छा लगेगा। उधर देखो। चलो ड्रॉप कर देता हूँ। मेरी स्कूटी? अरे बहन जी, आप जाइए, रिपेयर करवा के पहुंचा दूंगा। मेरा नाम रघुवीर वांडरी है। जानता हूँ, आप गुरुकांत वांडरी जी के भाई हैं। बैठिए, कहिए क्या कर सकता हूँ आपके लिए। आपका कार्यक्रम मैं टीवी पर देखता रहता हूँ, समाज सेवा के लिए किए गए काम मैं पेपर में पढ़ता हूँ। आपका प्रकृति से प्यार और जनसेवा के बारे में सुनकर मुझे बहुत गर्व होता है। नाम कमाने से कहीं ज्यादा मैं इसे अपना फर्ज समझ के करता हूँ। आपका आने का मकसद? आने वाले कुछ ही दिनों में रोड़ापुर में इलेक्शन होने वाले हैं। आप जब भी धरने पर बैठते हैं तो हजारों लोग आपके पीछे रहते हैं। यह इस बात का सबूत है कि वो लोग आप पर विश्वास करते हैं। हमेशा जनता की भलाई चाहने वाले आप राजनीति में क्यों नहीं आते? छांस भेजिए। भगवान के लिए बुरा मत मानिएगा, मुझे राजनीति में विश्वास नहीं है। अपनी खातिर ना सही, जनता की खातिर भविष्य के लिए एक बार सोचिए तो सही। भविष्य मैं नहीं बता सकता, लगता है आप मुझे अच्छे से नहीं जानते। अगर मुझे जानते तो इतनी दूर नहीं आते आप। आप जा सकते हैं। आप जब भी जनता की आवाज बनेंगे, हमारी सरकार का सहयोग हमेशा आपके साथ रहेगा, भूलिएगा मत। सर देखिए ये डिजाइन तैयार है। एक्सक्यूज मी, ये चलेंगी? आपका फोन। कल आकर अपनी स्कूटी ले जाऊंगी। थैंक्स। अरे ऐसे कैसे कर सकता है यार, वो इतनी देर से फोन लगा रहा है उसको। कोई खूबसूरत लड़की आए तो मेरा नंबर उसे दे देना, ठीक है? कौन है जो ऐसे कमर झुका के खड़ा है? गडारी नागप्पा। गडारी नागप्पा है तो कमर झुका के क्यों खड़ा है? आपके बच्चे कितने हैं? पांच बच्चे हैं। पांच बच्चे पैदा करने के बाद इसका यही हाल होगा ना। धन्यवाद। देखिए गडारी नागप्पा जी, किसी भी गांव से आधी रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे सर पर गमछा ओढ़कर, चेहरे में रंग पोतकर, बीच रास्ते में बैठकर अनाप शनाप डायलॉग बोलकर, लोगों का दिया हुआ 150 लेकर घर में चूल्हा जलाने या दारू पीने के लिए कोई नौटंकी नहीं है। जेम्स जैक्सन का रियलिटी शो है। अच्छा। मैं जो भी सवाल करूंगा उसका फटाफट जवाब दोगे तो ही तुम्हारा सिलेक्शन होगा, समझ गए कि नहीं? देखो अभी तो सर क्या है, आपको ढूंढते हुए एक लड़की यहाँ पर आई है। सामंता या श्रुति हसन? हीरोइन ढूंढने आएंगे आपको, आप क्या ऋतिक रोशन हो? रोशन नहीं, जैक्सन। हाय। सॉरी, इस बार मैं बुड्ढों का प्रोग्राम कर रहा हूँ, अगली बार फीमेल ओरिएंटेड करूंगा तो आपको ईमेल कर दूंगा, आप आ जाइएगा। सर, मैं यहाँ एक्टिंग करने नहीं आई हूँ। फिर
आपके साथ असिस्टेंट डायरेक्टर का काम करने आई हूँ। खिचड़ी में की अपने आप कहाँ से आ गिरी? मछली खुद जाल में फंसने आई है। अबे मैं जो सोच रहा हूँ तू भी वही क्यों सोच रहा है? नकल चिकन का। एक्सक्यूज मी, वो रक्षा। रक्षा प्रोफेशनल या पर्सनल? देखो पब्लिक में डिस्कशन मत करना, केबिन में वेट कर रहा हूँ, दो मिनट के बाद आ जाना, साथ में जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। ऐसा तू जल्दी से मेकअप रूम में जाकर के मेकअप किट लेके आ, वरना चेहरे पे पूरे लिपस्टिक के निशान लग जाते हैं। क्या खूबसूरत है। इसे सेना जी ने भेजा है। भाई के राइट हैंड है ये, यहां तक आए हैं मतलब कोई ना कोई इंपॉर्टेंट मैटर होगा। नहीं होने चाहिए, रात 2 बजे से पहले अच्छे से सब काम हो जाना चाहिए, समझ गए ना? अभी तक ट्रक में आयरन ले जाते हुए देखा होगा, लेकिन आज कुछ और ही देखोगे। से आया है मालगाड़ी के अलग अलग डब्बे में से एक वैगन में हमारा माल आ रहा है। ट्रेन रोकने वाले पॉइंट से पहले हमें अपना काम करके वहां से निकलना होगा। जल्द से जल्द अनलोड करके इस ट्रक में भरना है। वहां स्टेशन में पूरी तरह से अलर्ट रहना। इंफॉर्मेशन लीक हो गई है, स्टेशन पे पुलिस की टीम पहुंच ही रही होगी। जब तक वो तुम लोगों के पास पहुंचे वहां से निकल जाओ। इतने सारे पैसे छोड़कर? पैसे जाते हैं तो जाने दो, तुम लोग वापस आ जाओ। ये भाई का ऑर्डर है। पुलिस तक इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी है और हमें वापस बुलाया जा रहा है फर्स्ट टाइम। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। एक चांस है। क्या है वो? उनसे पीछे वाले पॉइंट पर ट्रेन को स्टॉप कर लें तो मटेरियल अनलोड कर सकते हैं। उस पॉइंट पे ट्रेन नहीं रुकती है, और रुक गई तो? किसी तरह ट्रेन को रोको। भाई ट्रेन तो पास हो रही है। ट्रेन पास हो गई वहां से। स्टेशन का डिस्टेंस लिमिट होता है, ट्रेन की स्पीड लिमिट होती है। मूविंग में ही हम मटेरियल को अनलोड करेंगे। काशी सब लोग उसे फॉलो करो।
आपने उसे फॉलो करने के लिए कहा और वो फरार ही हो गया। भाई का कहना मानना चाहिए, यहां से वापस चलते हैं। हेलो, क्या सर, मैं कितनी बार कॉल कर चुकी हूँ, कॉल पिकअप क्यों नहीं करते? इरादा क्या है आपका? हाँ, जरा सा लिफ्ट देकर पूरी की पूरी स्कूटी हजम करने का इरादा है क्या? कौन कौन से कबाड़ी वाले को जानते हो? कौन कौन से पार्ट कहाँ कहाँ बेचे हैं? कैश कलेक्ट कर लिया क्या? ये जीप तुम्हारी ही है या ये भी चोरी की है? रुको, एक मिनट रुको, पुलिस में कंप्लेन करूंगी तब पता चलेगा। हेलो, तुम्हारी गाड़ी कल शाम को ही पहुंचा दी गई है तुम्हारे घर। स्कूटी मेरे घर पहुंचा दी है? कहानी बना रहे हो, वो भी मेरे साथ? अच्छा एक बात बताओ, तुमने मेरी स्कूटी मेरे घर तक कैसे पहुंचाई? मेरी स्कूटी पर मेरे घर का एड्रेस प्रिंट था क्या? हर गाड़ी का आरसी बुक और डॉक्यूमेंट्स तो होता ही है, उसमें पिन कोड के साथ ओनर का एड्रेस भी दिया होता है। ओ,
बोल। दीदी कल कोई मेरी स्कूटी घर छोड़ गया था क्या? ओहो मैं तो तुझे बताना ही भूल गई, कल शाम को ही कोई छोड़ गया था। क्या शक्ल से तो बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने कहा चाय पी कर जाओ पर ऐसे ही चला गया। लेकिन तू क्यों पूछ रही है? ओके ओके मैं बाद में कॉल करती हूँ, बाय। ए हेलो हेलो वन सेकेंड, सॉरी 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 प्लीज 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 सॉरी। शक करना और बेइज्जती करना लोगों की आदत सी बन गई है, इसलिए तो सॉरी कह रही हूँ। सॉरी 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 प्लीज 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 इट्स ओके। पप्पू एक प्लेट डोसा। ए डोसा इधर ला। भाई डोसा। वेट कर। हेलो काशी। एक मिनट, हाँ शबरी भाई बात करना चाहते हैं। जी भाई फोन गणा को दे। सैयद अली को रोक कर रख, मैं और सिंह वहां पहुंच रहे हैं। ठीक है भाई। भाई जा और गर्मा गर्म लेके आ। चाकू का काम तब तक है जब तक उसमें धार है, जब तक बुलेट है तब तक ही गन की वैल्यू है, और हिम्मत वाले जिगर की सांस रहने तक वैल्यू है। से निकले हुए माल के लिए तूने जो रिस्क उठाया ना, उसके लिए तेरा डंका पिट रहा है। मेरे दिल की तमन्ना है कि मैं भाई से एक बार मिलूं। किस्मत वाला है तू, तेरा नाम भाई तक पहुंच चुका है। गए हुए माल के लिए रिस्क उठाया उसके लिए। मुझे यहां आए 4-5 साल हो गए, दादी माँ से मुश्किल से 2-3 बार ही मिल पाया हूं मैं। बस इस वक्त सिंह अगर वहां पर है ना तो ये सब उसकी मेहनत का फल है। सबरी के बारे में मत पूछो, उसका घर बीवी बच्चे तक को मैंने कभी नहीं देखा। तूने कभी भाई का घर देख लिया तो शॉक हो जाएगा। फुल सिक्योरिटी, उनके आगे देखो पीछे देखो जहां भी देखो। बाप रे बाप, भाई के कमरे के बारे में तो बहुत सारी बातें पता ही नहीं है। वो जिस कमरे में रहते हैं ना किसी की एंट्री नहीं है। उनकी बैठने की कुर्सी से लेकर सोने का पलंग तक सब कुछ गोल्ड है। एक राजा की जिंदगी जीते हैं वो, मतलब के काम के सिवा किसी से कोई संबंध नहीं। एक बार मैं उनका कमरा देखना चाहता हूँ। क्या कर रहा है भाई? मैं जो बोल रहा हूँ उसे लिख रहा है क्या?
उसमें तो मेरा नाम मत लिख देना यार, वरना मेरा गेम बच जाएगा। तू कब से लिख रहा है लेकिन एक लाइन भी नहीं लिख पाया। भाई के बारे में लिखने को सोचा तो पेन ने भी सपोर्ट नहीं किया। मैं जा रहा हूँ यार, नींद आ रही है। बाय, गुड नाइट। आने जाने वाली लॉरियों को रोक रहे हैं, क्या ये सब आप अपनी बात रखने के लिए कर रहे हैं? ये बात सभी लोगों को पता है। माइनिंग के काम के लिए सालों से ट्रक मिट्टी ले जाकर जमीन को खोखला कर रहे हैं, जिसकी वजह से किसानों को परेशानी होती है। इसकी वजह से पॉल्यूशन भी फैलता है, हरियाली पूरी तरह से खत्म होती जा रही है, एक्सीडेंट भी होते रहते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। इन सब के खिलाफ हमने ऑफिसर से कितनी बार कंप्लेंट की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैं पूछता हूँ कि इस इलीगल काम के लिए आखिर कौन है जो जिम्मेदार है? वो भैरती रणकल। अब तक हम बहुत कुछ खो चुके हैं, इसे बंद करवाए बिना हम पीछे नहीं हटेंगे। बंद करो। वो बूढ़ा हमारे काम के बीच में आ रहा है, आज उसकी लाश उसी के ट्रक में डाल दूंगा। तुम्हें अच्छी तरह पता है रोणापुर के किसी मैटर के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। नमस्कार। अश्वथ कोटारी को छोड़कर इस समय जो आंदोलन आप कर रहे हैं इससे कोई फायदा नहीं। आपकी आवाज यहां उड़ती हुई धूल से टकराने के अलावा भैरवी राणा के गेट तक भी नहीं पहुंच पाएगी। वो जब तक आंदोलन खत्म नहीं करेगा हम ट्रक रोड पर ही रोक कर रखेंगे। अपनी ताकत के बलबूते वो सुरंग से रास्ता बनाकर ट्रांसपोर्ट जारी रखेगा। क्या करना है इसका फैसला सिर्फ भाई ही कर सकते हैं। आपके जैसा अच्छा इंसान जनता के साथ है फिर भी इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका कारण सबको रोकने की हिम्मत आपके पीछे जो बैठे हैं उनमें नहीं है। उसके लिए हाथ में पावर चाहिए। इन लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए आपको राजनीति में आना ही होगा। क्योंकि उनके घरों को जला दिया है भाई। वो वेदावती है, भाई की छोटी बहन। लेकिन भाई बहन के बीच बातचीत वर्षों से बंद है, वजह सबको पता है। सिर्फ भाई ही नहीं, उनके साथ जितने भी लोग हैं ये उन्हें पसंद नहीं करती। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स इन्हें
फॉलो करते रहते हैं। भाई एकदम हीरोइन माफी आ रही है। इसी वक्त इसका पेट्रोल खत्म होना था। कोई हीरोइन जीरो साइज फिगर मेंटेन करती है, तुमने भी जीरो साइज फिगर मेंटेन किया, अब तुम्हारे साथ एक सेल्फी लेते हैं। सेल्फी चाहिए? हम सबको तुम्हारे साथ एक एक बार सेल्फी लेने दोगी? लेकिन कैमरा ऑपरेट मैं करूंगा। अरे आ गया, हीरो भी आ गया। तू हीरो ही है ना? बोलना हीरो ही है ना? पीने के बाद भी तू करेक्ट बोल रहा है। 2 मिनट्स बात करके आता हूं, जब देखो तब अकेली घूमती रहती हो, आधी रात को भटकती हो, यहां तुम्हारा राज चलता है क्या? किसी अच्छे से लड़के को प्रपोज करके उसे अपना जीवन साथी बना लो, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। प्रपोज करने के लिए तो मैं भी तैयार हूं। ये सोचकर जवानी में आवारागर्दी नहीं करनी चाहिए, हाथ पैर भी टूट सकते हैं, हमेशा बीमार हो ये जरूरी नहीं है। सजेशन देने के लिए थैंक्स। अब मैं सिंगल रहने के बारे में नहीं सोचूंगी। जैसा लड़का मैं चाहती हूं ना, वो मेरे सामने खड़ा है। I love you। तुम्हें कभी कोई नहीं भूल सकता। मरने से पहले दर्द होना ही चाहिए। हे, वर्दी पहनाओ इसको। चल बता, तुझे ट्रेन में मटेरियल वाली बात किसने बताई? हमारे डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर तुम्हें रोणापुर में सपोर्ट करेगा, तुम्हें जो भी चाहिए उसका इंतजाम वो कर देगा,
लेकिन उसके चेहरे से तुम्हें अंजाम है और वो भी तुम्हारे चेहरे से अंजाम है, इस बात का तुम्हें पूरा ध्यान रखना होगा। ट्रेन में मटेरियल आ रहा है, इस बात को लीक करने वाला ये है। मार इसे। और तुम एक कॉप और इस मिशन पे जा रहे हो, इस बात की भनक किसी को भी लगनी नहीं चाहिए, यहां तक कि तुम्हारे साथ चलने वाले साहब को भी नहीं। मौत को एक्सीडेंट समझ बैठे थे, लेकिन वो मर्डर था, ये पता चल गया ना। उसमें जो इन्वॉल्व थे वो पकड़े गए, इसलिए भाई वो कौन है जानने के लिए भंगार के गोदाम में आ रहे हैं।
चारों ओर समुंदर, बीच में जंगल, वहीं एक इंसान रहता था जिसके 10 सर थे और लोग उसे रावण कहते थे। चारों ओर पहाड़ और बारिश से ज्यादा खून से भीगी हुई जमीन। वहां एक योद्धा भी था जिसे लोग रणवीर कहते थे। वो अपना सर खुद काटने से भी नहीं डरता था और उन दोनों की सोच एक जैसी ही थी। मेरे काम में अड़ंगा लगाने से पहले हजार बार सोच लेना। एक बार सामने आ गए तो गिद्ध की नजर से तो बच सकते हो, मगर मेरी नजर से नहीं। वेरी गुड। हमारे डिपार्टमेंट को अब सिर्फ तुमसे ही कुछ उम्मीदें बची हैं। उसके पास बहुत सारे माइंस हैं, जिसमें पेट्रोलियम माइंस मेन हैं। माइंस के अलावा उसके और कई सारी कंपनीज हैं। उसे मेंटेन करने के लिए बहुत बड़ा सिंडिकेट क्रिएट किया हुआ है। उस भैरवी के राइट हैंड का नाम है शबरी और सिंह उसका लेफ्ट हैंड है। उसके लिए मुझे पुलिस अधिकारी को अपने हाथों से मारना पड़ा। उसके इलीगल एक्टिविटीज के जितने भी एविडेंस हैं वो मैं कलेक्ट कर रहा हूं। राणा के साम्राज्य का खात्मा आज से शुरू हो गया है। टिकट इस आदमी को दिया तो अच्छा होगा। और ये एक्सक्यूज मी सर, अश्वत जी के लोग आपसे मिलने के लिए आए हैं। अच्छा इंसान बोलकर हम एक तरफ हटते रहे और अब हमारा रास्ता रोक रहा है। हाथ में तख्ता बैनर लेकर स्ट्राइक करने वाला आज बैनर लगाकर सब वोट अपनी ओर खींच रहा है। मुझे आपके पार्टी की जरूरत नहीं, अकेला ही लड़ूंगा। बिना वजह किसी जमीन को खो देंगे तो आगे चलकर वो बड़ा सुरंग बन जाएगा। रणापुर में झंडा तो लहरा सकते हैं, अश्वत भी हमारे लिए खंभा बन जाएगा, पर हमने कोई तूफान खड़ा किया तो सिर्फ झंडा ही नहीं खंभा भी उखड़ जाएगा। इसलिए अकल से काम लो।
आप चुनाव के मैदान से हट जाइए, ऐसा भैरवी राणा ने खबर भिजवाई है। ये सिर्फ रोड़ापुर नहीं है, रिपब्लिक रोड़ापुर है। यहाँ जो कुछ चल रहा है, गुंडागर्दी, लूटमार, अत्याचार, इन सब के पीछे एक ही आदमी है और वो आदमी है भैरवी राणा। हमारे जैसे आम लोगों का यहाँ जीना मुश्किल है। मैं एमपी सीट के लिए नॉमिनेशन फाइल ना करूं, ऐसा उन लोगों ने धमकी दी है मुझे। मुझे उनसे अपनी जान का खतरा है। अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार भैरवी राणा ही होगा। जो सरकार लोगों की सुरक्षा ना कर सके उसे उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। हेलो। हेलो सिस्टर, मैं जेम्स जैक्सन। तुम कल से काम पर आ जाओ, मिस मत करना। तुम्हारे लिए तुम्हारा ये बड़ा भाई इंतजार करता रहेगा। प्लीज। हाँ, शाम का सारा अरेंजमेंट हो जाना चाहिए, सब लोगों को भेज दो। हाँ, सोचकर तुमने मेरे कपड़ों को हाथ लगाया। हर हाथ की एक औकात होती है, तूने तो दोनों हाथ लगाए। अपने पिंडदान का रास्ता तुमने खुद चुना है। मौत सामने आई तो बीवी बच्चे याद आ गए, तू जिंदा रहकर भी मरा हुआ है। जब तक सांस है तब तक ऐसी बेवकूफी करने की कोशिश भी मत करना। अगर सोच लिया तो हाथ पैर तो रहेंगे, ये नहीं रहेगा। इसे गाड़ी में बैठा कर छोड़ आओ। जी भाई। पोर्ट एरिया में कौन आया है? गणा, भेज दो उसे। जी। तुम्हारे लिए स्मॉल गिफ्ट। तुमने मेरे मामा की जान बचाई ना, इसलिए ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। ये लो। तुम हमेशा मेरे मामा के साथ ही रहना, वो बहुत अच्छे इंसान है। तुम जब भी आओगे ना, मैं तुम्हें ऐसे ही चॉकलेट दूंगी, ठीक है ना फ्रेंड्स? अवनी, मैंने उसको भूल तो दिया है, लेकिन पता नहीं कब जवाब आएगा।
ठीक है भाई। चलो खाना खाते हैं। हेलो। हेलो, कहाँ हो तुम? क्या हुआ, भूल गए? हेलो, याद नहीं है आज मेरे साथ शॉपिंग के लिए जाने का वादा किया था? कब से तुम्हारी राह देख रही हूँ। सिर्फ गर्लफ्रेंड बना लेना काफी नहीं है, हमेशा उसकी केयर भी करनी होती है। शॉप नंबर 17, कंगना फैशंस, आलम स्ट्रीट। जल्दी से आ जाओ, बाइक से मत आना, ऑटो से आना, अर्जेंट, फास्ट। शॉपिंग करने आई थी, शॉपिंग जल्दी खत्म हो गई तो मेहंदी लगा ली। तुमने तो बहुत देर कर दी, एक हाथ में हो गया तो सोचा दूसरे में भी लगा लेती हूँ। मुझे मेहंदी लगाना बहुत पसंद है, अच्छी लग रही है ना? स्कूटी, लगेज, बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए सोचा तुम्हें कॉल कर लेती हूँ। ठीक है ठीक है, पैसे दे दो, हो गया। ये लो। भाई सुबह 4 बजे उठकर हर रोज वॉकिंग के लिए जाते हैं। कुर्सी से लेकर सोने वाला पलंग सब गोल्ड का है। अरे दीवानो, मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन? यारों का मैं यार हूं, यारी में ये जान लुटा दे जो, मैं हूं डॉन। टाइम क्या हो गया? लगता है घड़ी नहीं चल रही। अरे टाइम बता। हाँ, अभी सही टाइम बता रही है। ये एविडेंस प्रूफ सब कलेक्ट कर लिया।
वैसे नॉर्मली पुलिस वाले चोर को पकड़ते हैं, मगर यहां पर चोर पुलिस को पकड़ रहा है। उस दिन तूने क्या कहा था? जिसमें दम होता है उसी की वैल्यू भी होती है। तो चल आज वैल्यू देखते हैं। आप जिस पर इतना भरोसा करते आ रहे हैं वो भरोसे के लायक नहीं है। वो एक अंडरकवर पुलिस है और वो मेरे जाल में फंस चुका है। बस एक बार आप बोलो, अभी इसकी खोपड़ी उड़ा देता हूं। हेलो हेलो, हेलो गणा, उसे खत्म कर दो। तुझे बुलेट से खोपड़ी उड़ाने का शौक है, लेकिन तुझे बताए बिना अगर मैं तेरी सांसें तुझसे छीन लूंगा तो तेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। पशुपति ने आखिरी सांस तक किसी के साथ धोखा नहीं किया। ऐसे आदमी की तूने सांसें छीन ली, इसलिए आज मैं तेरी सांसें छीन लूंगा। तुझे नींद नहीं आ रही इसलिए तू यहां तक पहुंच गया। आज मैं तुझे हमेशा के लिए सुला देता हूं। बेटा जरा रुकना बेटा, बर्बाद हो जाओगे, सब मिट्टी में मिल जाओगे। उस दिन तुमने जबरदस्ती हमसे सब छीन लिया था, हम सबको अनाथ बनाकर मीट सड़क पे फेंक दिया। पर मैं गलत थी, क्योंकि तुम तो हजारों लोगों के लिए इतनी बड़ी बस्ती बसाने वाले हो। मैंने तो कभी ये सब सपने में भी नहीं सोचा था। मेरा दिल जल रहा था, इसलिए गुस्से में मैंने तुम्हें श्राप दे दिया था। अपना दिल बड़ा करके मुझे माफ कर दो बेटा, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो बेटा। Oh!
की। कितने प्यार से बर्थडे पे तुझे ड्रेस गिफ्ट की थी और तू उसके तार तार निकाल रही है। नाना जी कल रक्षाबंधन है ना, इसलिए मैं अपने कपड़े से निकाल कर भैया के लिए राखी बना रही हूँ। नाम का डायरेक्टर वॉचमैन की ड्यूटी कर रहा हूँ। अरे वो प्रोड्यूसर तो देर से आता है लेकिन उसका पीए भी अभी तक नहीं आया। रेडी कट 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 भाई रेडी है। हाँ ये देखिए आपके लिए एक सोलो इमोशनल सीन है सर, ये है उसके डायलॉग सर। हीरोइन के साथ पहले सारे कॉम्बिनेशन सीन्स खत्म कर लूं, मैं इस वक्त बड़े फ्रेश मूड में हूं। ओके सच में तुम्हारा हीरोइन का सिलेक्शन बहुत ही सुपर है, बहुत ही फोटोजेनिक सर। ये तो वो जो डायरेक्टर है। अरे ये क्या लोकल क्वार्टर में मिनरल वाटर मिक्स कर दिया? नो प्रॉब्लम। स्क्रिप्ट इधर ला भाई। यू डू वन थिंग, डिटेल में मुझे स्क्रिप्ट समझा दो तो सीन में आसानी होगी। आई विल मेक इट अंडरस्टैंड सर। वो एक्सप्लेन करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। डायरेक्टर मैं हूँ, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ सर। इस स्टंट सर को तुमने क्या समझ रखा है बे? बेवकूफ कहीं का। ए श्रृंगार में रविचंद्र और कॉमेडी में नरसिम्ह राजू, बहादुरी में विष्णु वर्धन, करुणा में शंकरनाथ और रौद्र में अमरीश, शांति में आनंदनाथ, भयानक नट भयानक में टाइगर, अपने भाईजान विभत्स और रौद्र, ये सब मुझ में है, बता तुझ में क्या है? अद्भुत डॉक्टर राजकुमार, इन सभी नौ रसों को मैं मिक्सर में डालकर घोलकर पी चुका हूँ और सिल्वर स्क्रीन को फाड़ चुका हूँ। चाहे तो जाके देख लो। पर्दा ही कह रहा था कि ए शट अप, चलो उधर जाओ और टीवी के सामने बैठकर ओके कहना, बस यही काम है तुम्हारा, चलो जाओ।
हाँ तो मैं ये कह रहा था। ओके मेरा मूड खराब हो चुका है। मेरी पूरी टिप्पणी फेंक दी आपने। नेक्स्ट डेट लेकर आओ मेरी और मेरे कुत्ते को घुमाने ले जाओ। बाय द वे व्हाट्स योर नेम? रक्षा। ओह रक्षा, ये रा अक्षर से शुरू होने वाली हीरोइनें हमारे इस स्टेट में राज करती हैं। अगर तुम हाँ कर दो तो मैं तुम्हारा रक्षा कवच बनने को तैयार हूँ। ओके रेडी 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 रेडी। कैमरा क्या हुआ, कौन है, कहाँ इधर? ओके 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 एक्शन। बैठे रहने से ही नहीं पिघलता ये शरीर, बैठ बैठ कर सुन होने के बाद भी नहीं पिघलता, ये बम्पर है बम्पर। ये कैसा डायलॉग मुझसे बोलने को कह दिया इसने? एए, एए, ये कैसा डायलॉग है, कोई बोल सकता है? डायलॉग ऐसे होनी चाहिए कि थिएटर में बैठे सारे लोग उछल के वाह वाह करें, तालियां बजे। डायलॉग चेंज कर दो, मैं जरा होके आता हूँ। रक्षा डोंट वरी, शाम को शूटिंग खत्म होने के बाद मिलना। हाँ आराम से बैठकर हम दोनों सोच विचार करेंगे। ओके आ जाओ मेरे दिल के घरौंदे में आ जाओ। अंदर क्या कर रहे हैं, मुझे ही अब अंदर जाना चाहिए। सर रविंद्र टोनी को ले जाने के लिए बोल रहा है तो सेना जवाब नहीं दे रहा है। हुआ है, कई लोगों की जानें जा चुकी हैं और जो लोग इस हादसे में बचकर निकले हैं उन्होंने बताया है कि इस भयंकर विध्वंस के पीछे शहर के शैतान भैरवी का हाथ है। राजनीति की आपसी रंजिश की वजह से ये सब हो रहा है ऐसा मालूम पड़ रहा है। गाड़ी हमारी है, उसकी परमिशन के बिना पटाखा फोड़ना सही नहीं है। कटिंग अरेंज करो। नाश्ता हो गया? हाँ हो गया भाई। हमारे पास कितनी गाड़ियां हैं भाई? 40 गाड़ियों से ज्यादा होंगी। तुम कितनी गाड़ियां मेंटेन करते हो? 3 गाड़ियां मेंटेन करता हूँ भाई। उन सब के नंबर बताओ। KA346868 7668 5668। मैं जिसमें जाता हूँ उसका नंबर बताओ। KA348999 7999 6999 भाई। वेरी गुड। और अब अश्वत कुटारी पर जिसमें अटैक हुआ उस गाड़ी का नंबर बताओ। भाई आप क्या कहना चाह रहे हो, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। आपके प्लान के मुताबिक ही चल रहा है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। उस अश्वत कोठारी पर अटैक करेंगे आपके लोग, लेकिन कार हमारी होगी, मतलब अश्वत कोठारी की मौत का जिम्मेदार भैरवी के लोग ही होंगे, इसलिए टेंशन नहीं है। भाई मैं उनके बहकावे में आकर पैसों के लालच में ये कर बैठा, गलती होगी भाई, गलती होगी, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा भाई, सच में नहीं करूंगा भाई, मुझे माफ कर। इतने सालों से तू काम कर रहा है, किसे रखना चाहिए किसे कट करना चाहिए ये तूने अभी तक नहीं सीखा। बहकावे में आ गया और अपनी जान बचाने के लिए मैंने ऐसा किया भाई। गद्दार होने के साथ साथ ये वफादार भी था। इसकी समाधि के ऊपर एक बोर्ड लगाओ। इसे क्यों मारा गया ये सबको पता होना चाहिए।
हमारी वजह से इसके परिवार के लोगों को कोई तकलीफ ना हो, उसूल के मुताबिक इसके घर में अमाउंट पहुंचा दो। भैरवी राणा के विरुद्ध रण का ऐलान। चुनाव में उनके खिलाफ जो भी गया वो इतिहास में दर्ज होकर रह गया। अश्वथ कोटारी जी के विरुद्ध विपक्षी पार्टी के उम्मीदवार रविंद्र जी 70,000 वोट से विजयी घोषित किए गए। पूरे रोणापुर शहर में पटाखे गूंज रहे हैं। भाई, अब हमें उस भैरवी से टक्कर लेने से कोई फायदा नहीं होने वाला। दुश्मन सर चढ़कर बोल रहा है, हम बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे। हमें समझदारी से काम लेना होगा, जैसे को तैसा नहीं करना चाहिए, वरना परेशानी हमें हो सकती है। बिल्कुल सही सर, हम लोगों को कांटों वाले बाग में हाथ नहीं डालना चाहिए सर। जैसा कि भाई साहब ने कहा, वैसे ही हम अगला चुनाव अपने दम पर लड़ेंगे और जीतेंगे भी। जिन हाथों में इस समय गन है उससे तुम्हारा खून का रिश्ता है, लेकिन इसके अंदर जो बुलेट है उससे किसी का कोई रिश्ता नहीं। पावर के नशे में तुम भले ही अपनी दुश्मनी भूल जाओ, लेकिन मेरे सीने में जो नफरत की आग जल रही है उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। तुम नहीं समझ पाओगे उसका क्या करना है, मुझे मत सिखाओ। मैं ये आपको खुशी से दे रहा हूं, अब ना कर रहे हैं। मेरी विनती, आप इसे स्वीकार कीजिए। फूलों की यह नर्सरी मैं आपके पास इसलिए लाया हूं क्योंकि जनता से आपका प्यार निस्वार्थ है। राजनीति में आप बने रहेंगे तो अच्छा है, लेकिन जिस पार्टी से आप खड़े हो रहे हैं उसकी नीयत सही नहीं है। अगले इलेक्शन में आप इंडिपेंडेंट ही खड़े होइएगा। बैंक से पैसे निकाल कर हिसाब करके इन्हें रवाना करो। जी अच्छा भाई। टोटल अमाउंट कितना है? 3 करने की जो हसरत दिल में रखी थी उसमें नाकामयाब होने के बाद तुम्हारे हाथ आया है बिना धार वाला चाकू। कल इलेक्शन में तुम्हारी हार जीत का फैसला मैं करूंगा। मैं तुम्हें आज ये बता देना चाहता हूं, हमारी पार्टी की तरफ से रोड़ापुर के उम्मीदवार तुम रहोगे। बस मुझे बदले में चाहिए उसकी मौत। सबरी रामनाथ वोटों की गिनती में अभी भी आगे हैं। सबरी रामनाथ को मिले हुए वोटों की संख्या अब मैं
क्या है कि चॉपर खराब हो गया है, वो ऐसा सिंह ने कहा था, इसीलिए मैं वॉच चेंज करते ही तुम्हारा टाइम भी चेंज हो गया। पलकें भी नहीं झपकती थी। तुम्हारे हाथ में चाकू होते हुए भी मैंने तुम पर कभी जरा भी शक नहीं किया। 30 साल तक तुमने जो मेरी सेवा की उसके बदले तुम्हारे बाल बच्चों के नाम ये कागजात, आज तक तुमने जितना भी सोचा होगा उससे 10 गुना ज्यादा तुम्हें दे रहा हूं। जितनी जल्दी हो सके तुम ये गांव छोड़कर यहां से दूर चले जाओ। मुझसे माफी मांगने की कोशिश मत करना क्योंकि मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। जितनी थी ना तब बनाई थी मैंने, वो मैं हूं और ये तुम्हारी माँ। मामा आप और मम्मी बात क्यों नहीं करते? तुम्हारी मम्मी मुझसे बहुत नाराज है बेटा। पैसों के लालच में आकर ड्रग माफिया के साथ मिलकर ट्रस्ट टेंडर में जितने भी हॉस्पिटल्स वगैरह हैं उसमें मिट्टी और पत्थर सप्लाई करते थे। इतना ही नहीं, जहां जिंदगी जी रहे थे वहां उसके जीजा की वजह से जीना दूभर हो गया था। बहन के पति हैं ये बिना सोचे ही उसे मार डाला। उस दिन से वेदा बहन ने भाई से बात करना छोड़ दिया।
नमस्ते, नमस्ते, सर, नमस्ते। आप तो वॉलेंट स्टार थे, साइलेंट कैसे हो गए? एक चेयर लेकर आ भाई। अरे नहीं नहीं, रहने दो रहने दो, ये ऐसे ही ठीक है। हाँ ठीक है, चेयर तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए। किसी को देखकर कभी झटका नहीं लगता, इनको देखकर ना सेट का सारा सामान हिलने लगता है। भूकंप भी एक बार आकर रुक सकता है, मगर ये शुरू हो जाए तो कभी रुकते नहीं है। क्या बोला? तू इसे पेमेंट कर रहा है असिस्टेंट डायरेक्टर का या फिर मेरे काउंटर करने का? बेवकूफ, सबके सब नालायक। कोई और तो यहाँ पर है नहीं, अपने आप को बोल रहे हैं क्या? वो सब छोड़िए, आपके नौरस कहाँ चले गए? अरे यार, उसने ऐसा मारा कि मैं कौन से रस में था और कौन सा रस निकल गया कुछ पता ही नहीं चला। यही बात है, थोड़ा आगे करना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सिस्टर। इसके यहाँ आते ही पूरा का पूरा सेट सेफ हो जाता है, वरना इस सेट में तो अर्थक्वेक आ सकता है। अरे डायरेक्टर वही है। जी जी, आया आया सिस्टर। अब ये उसका असिस्टेंट है तू? कौन है ये सॉफ्ट जामुन? हाय, फ्रेश हो क्या? व्हाट? नो 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 नो, आई मीन हमारी फिल्म इंडस्ट्री में आपकी फ्रेश फ्रेश एंट्री है क्या? रेडी? हाँ रेडी 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 रेडी। अरे कहाँ गया कटी जैक्सन, जल्दी इधर आ, डायलॉग बता क्या है। अरे आया भाई, राइटर जल्दी। वुमेन्स कॉलेज है क्या? अरे सुपर, उस कॉलेज के पास बस स्टॉप पर एक खूबसूरत लड़की खड़ी है। यस ऑफ कोर्स खड़ी है। आप उस बस स्टॉप पर आते हो? आ गया आ गया। उसे देखते हो? देखा। वो तुम्हें पसंद आती है? अरे लक 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 लक, मुझे तो बहुत पसंद आई। वो तुम्हारी तरफ मुड़कर देखती है? देखने के लिए ही तो हम यहाँ आए हैं। तुम सीटी बजाकर उसके सामने जाकर खड़े होते हो। कुछ देर खड़े रहने के बाद तुम अपना हाथ उठाते हो। हाथ उठाकर कहाँ रखना है? कंधे पर रखते हो। बस मुझे हाथ ही रखना है या कुछ और भी करना है? हाँ छू सकते हो, लेकिन अपने हिसाब से नहीं, हमारे हिसाब से, समझे? वो कैसे? वो एक खींच कर देगी। वहीं पर। सुपर सीन है, सुपर सीन है। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तब तुम्हें पता चलता है कि वो कराटे में ब्लैक बेल्ट है लड़की। ये पहले क्यों नहीं बताया? अभी तो बता दिया ना। क्यों? हर एक लड़की को अपनी सेफ्टी के लिए कराटे की ट्रेनिंग लेनी चाहिए, यही हमारा कॉन्सेप्ट है। अब तुम्हें ऑल द बेस्ट, देखता हूँ तुम्हारे। अरे मेरी बात तो सुन जैक्सन। सिस्टर, इस क्लाइमेक्स सीन में थोड़ा सा चेंज नहीं कर सकते क्या? रेडी साइलेंस, कैमरा एक्शन। एक्शन सिस्टर, तुम्हें देख कर मुझे अपनी सेफ्टी के बारे में घबराहट हो रही है, बट नो प्रॉब्लम, मैं तो छेड़छाड़ करूंगा। तुम यहाँ खड़ी होकर जिसके बारे में सोच रही हो, क्यों ना वो मैं खुद ही बन जाऊं? क्या बोलती हो? बुरी तरह से तोड़ दिया भाई, ये तो रस निकल रहा है, जल्दी से। आओ आओ ना, तुम्हें कुछ दिखाती हूँ, आओ। ये मैंने बनाया है, आज मामा का बर्थडे है ना, इसीलिए। तुम किसी को बताना मत। ये मामा और ये मम्मी। वो मैं हूँ और ये तुम्हारी माँ। मेरे स्कूल में टीचर कहती है कि मैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब समझ लेती हूँ, लेकिन मामा और मम्मी बात क्यों नहीं करते ये नहीं समझ पाती अंकल। सब आपके भाई से मिलने आए हैं। कोई रिश्ता ना होने के बावजूद इज्जत से उन्हें बधाई देने के लिए 50-100 मील दूर से यहां आए हैं।
और आपका तो खून का रिश्ता है, उसके बावजूद भी आप उनसे इतनी दूर हैं। हजारों लोगों से बधाई मिलने के बावजूद उनकी नजर अपनी बहन की तरफ उम्मीद लगाए देखती रहती है। सोचिए उनके मन में कितना दर्द भरा होगा। हजारों को इंसाफ दिलाने वाला आपका भाई भैरवी राणा अपनी छोटी बहन से असहनीय दर्द वर्षों से सहता आ रहा है, तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी। दो मिट्टी के पुतले को बनाकर उनमें जान फूंकने की कोशिश उस नन्ही बच्ची ने की। आप ही बताइए, खाना परोसने वाली एक बहन एक भाई से मुंह कैसे फेरेगी? इतनों के इंतजार करने के बावजूद वो इसी उम्मीद से अंदर तन्हा बैठे हैं कि मेरी बहन मुझे सबसे पहले विश करेगी। बहन के नाते ही ना सही, खुद को इन हजारों में से एक समझकर भाई को विश कीजिए। इंतजार कर रही हूँ। तुम मुझसे एक वादा करोगे? कैसा वादा भैया? तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी। ये नहीं पूछोगी क्यों? तेरा पति अब कभी नहीं आएगा। पति गलत इंसान थे, इसलिए आपने उन्हें मार दिया। यह बात आप मुझे बता सकते थे ना? कैसे बताता तुम्हें? मेरी बनाई हुई लकीर को लांग कर तुमने उससे प्यार किया था। जब मुझे यह पता चला तो हिम्मत नहीं हुई कि तुम्हें बताऊं, इसलिए मैंने उस बात को राज ही रखा, क्योंकि वो एक धोखेबाज इंसान है। ये बात तुम्हें पता चलती तो तुम जिंदगी भर तड़पती रहती, इसलिए तेरे भाई को ही बुरा आदमी बनाकर तुझे खुश रखने की कोशिश की मैंने।
आज तक भाई की वजह से रोणापुर हमेशा खुशहाल रहा है, लेकिन आज तुम्हारी वजह से अपने भाई को खुशी मिली है। तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं, तुम्हें कमरे में बुलाया है। आओ गणा, आओ बैठो। पता नहीं क्यों आज मैं बहुत खुश हूं। इतना ही नहीं, आज हर किसी का चेहरा खिला हुआ दिख रहा है। बहुत से लोग गेट के बाहर हैं, कई लोग गेट के अंदर हैं, और कुछ लोग तो घर के अंदर हैं। लेकिन तुमने यहां जगह बना ली है। बहुत साल बीत चुके हैं, आज मेरी बहन ने मुझे भैया कहकर बुलाया। वही आवाज फिर से सुनी आज। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए मांगो, बिना झिझक के मांगो, जो चाहिए वो मांगो। इंसानियत की नजर से जब मैं देखता हूं तो आप समाज के लिए एक देवता का रूप मुझे दिखते हैं, वहीं फर्ज और कानून की नजर से देखा जाए तो सरकार आपको एक शैतान के रूप में देखती है। ये कभी एहसास नहीं हुआ? सरकार? कौन सी सरकार? 12 साल की उम्र में मुझे अनाथ कर दिया, वो ही सरकार? मदद मांगने नहीं, हक मांगने के लिए चप्पल घिसी, सर भी खपाया, नींदे गवाई, क्या वही सरकार? भगवान ने इंसान को बनाया है, लेकिन उसकी व्यवस्था राक्षसों के हाथ में दे दी। खाना भी नहीं खाने देते, जब देखो जनता जनता करके मरते रहता है। ला, सबको उनका हक दिलाने के लिए मैंने कई एप्लीकेशंस दिए हैं, लेकिन आज तक जवाब नहीं मिला। तेरी लिखी हुई रद्दी और इस फाइल का जवाब देता रहा ना, तो मेरे हाथ दुख जाएंगे। हम जैसे गरीबों के मेहनत की कोई कीमत नहीं है। अरे नहीं नहीं, बहुत कीमत है। बाहर एक वड़ा पाव की गाड़ी है ना, ये सब अगर वहां ले जाकर धोगे तो इन पेपरों के बदले में वो तुम्हें 1-2 गरम वड़ा पाव भी दे देगा। वड़ा पाव खाते हुए बाप बेटा घर निकल जाओ, टेंशन किस बात की है? लोगों के हक के लिए लड़ने वाले मेरे पापा पर से उन लोगों का विश्वास पूरी तरह उठ गया। ये सोचकर पापा को अटैक आ गया। उसके बाद उनके पेट में काफी तकलीफ शुरू हुई, असहनीय दर्द हुए जो बढ़ता गया। उनका इलाज करवाने के लिए पैसा हमारे पास नहीं था, और उस दर्द ने धीरे धीरे उनकी जान ले ली। पापा की वो चीख आज भी मेरे कानों में गूंज रही है। उस दर्द ने उनकी जान ले ली,
फिर उस दिन मैंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। गरीबी को इस गांव से हमेशा के लिए उखाड़ कर फेंकने का फैसला। आज मैं जो कुछ भी हूं उसकी वजह वही है। इन गांव वालों को ये नहीं पता कि राशन कार्ड क्या होता है, लेकिन मरने तक मैं एक को भी भूखा नहीं रहने दूंगा। सरकार की मदद क्या होती है नहीं जानता, लेकिन अगली पीढ़ी तक के लिए मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। सिर्फ मसाला बेचने के लिए यहां आए अंग्रेजों ने 300 सालों तक इस देश पर राज किया और इसे लूटा। ऐसे में मैं अपने गांव वालों के लिए औरों को लूटता हूं तो उसमें गलत क्या है? मुझे कोई छू भी नहीं सकता। सरकार में भी दम नहीं है, मुझे कोई नहीं छू सकता है, मेरे मरते दम तक नहीं, मुझे कोई नहीं छू सकता। अभी तक कलेक्ट किए हुए एविडेंस और प्रूफ काफी हैं। अब उसे अरेस्ट किया जा सकता है। जितनी जल्दी हो सके वहां से सेफली निकल जाओ। जन्म लेने के बाद दाढ़ी मूछ निकलने से लेकर बाल सफेद होने तक एक पार्टी के लिए दिन रात पसीना बहाकर मेहनत करते हैं, जिसके फल के रूप में किसी एक को सीएम बनने का मौका मिलता है। आज नहीं तो कल मेरा छोटा भाई सीएम की कुर्सी पर बैठेगा ही। उस एक पल के लिए पूरी रात अपनी पलकें झपकाए बिना सूरज निकलने का हम इंतजार करते हैं, लेकिन अपने पैसों के बल पर एक राक्षस रातों रात मेरे सारे एमएलएज को खरीद कर अपने मन माफिक किसी को सीएम बनाना चाहता है। उस घमंडी को, भैरवी राणा को अपने रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हटाना चाहता है ये रघुवीर वानजी। मैं अपनी आती जाती हर सांसों के साथ उसके मौत की कामना करता रहता हूँ, और ऐसे में तू उसके लिए रक्षा कवच बनकर बीच में आया। इसीलिए इस कवच को हमेशा के लिए उखाड़ कर फेंक रहा हूं। मरने दो इसे। इसके लिए एक भी गोली वेस्ट करने की जरूरत नहीं, सारी गोलियां उस भैरवी राणा के सीने में उतरनी चाहिए।
समाधि के लिए एक मुट्ठी सीमेंट या एक भी ईंट का उपयोग मत करना। तुम जो भी करना सिर्फ जनता के लिए करना। के मुताबिक मेरे दिल को अभी तक सुकून नहीं मिला, वो मिलेगा तेरी मौत से। बहुत बड़ी बड़ी डींगे तूने हाकी हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा, क्योंकि मेरे बात की वैल्यू तुझसे कहीं ज्यादा है। इसे आसानी से मत मरने देना। मेरी आंखों को ठंडक नहीं मिलेगी। ज्यादा मेरी बर्दाश्त में ताकत है।
ये जानकर, लेकिन अब कोई फायदा भी नहीं होगा। रोनापुर के देवता कहलाने वाले वहां के निवासी भैरवी राणा आज गिरफ्तार हो गए। उनके ऊपर इलीगल काम, हवाला और अपराधी गतिविधियों का आरोप लगाया गया। इस घटना के बाद रोनापुर में कई लाशें गिरी हैं, जगह जगह आगजनी हो रही है। अभी तक हिंसा को रोककर शांति बहाल करने में सरकार पूरी तरह से असफल रही है। अभी तक मैंने एक बात तुमको नहीं बताई, कणा एक जाबाज सीबीआई ऑफिसर है। मैं यहाँ आया था भैरवी राणा के लिए, जो मुझे गिरफ्तार करने आया वो खुद गिरफ्तार हो गया क्योंकि उसे मुझ पर अभिमान है। सरकार की नजर में वो एक शैतान है, लेकिन जनता की नजर में वो एक फरिश्ता है। गणा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया। वर्षा से अभी तक मैं चोरी ही करता आया, अब उसके बताए हुए रास्ते पर चलकर अच्छा बनना चाहता हूँ। ऑपरेशन खत्म होने तक किसी तीसरे व्यक्ति को ये बात नहीं पता चलनी चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हें ये नहीं बताया। आई एम सॉरी। मेरी बहन और उसके बच्चों का ख्याल रखना।